हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए फिर से बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन से कार्डिगन बना सकते हैं, लेडीज कोटी बना सकते हैं, जेंट्स के स्वेटर पर डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर पर डाल सकते हैं, शॉल भी बना सकते हैं, मफलर बना सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पर इसको डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आएगा ये डिजाइन। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करती हूँ इस डिजाइन को बताना। देखिए ये, देखिए ये पहला फंदा है, हम इसी तरह ले लिए। अब यहां से देखिए, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार। ये यहां से यहां तक एक डिजाइन ये कंप्लीट हो गया। अब इसको यहां पर देखिए, एक फंदा हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, इसको लेकर पांच। फिर देखिए, एक दो तीन चार, ये यहां से यहां तक ये टोटल नौ फंदा हो गया। बीच में नौ फंदा हो गया, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से देखिए, उल्टे की तरफ से धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब सीधे की तरफ से देखिए इसको, अब सीधे की तरफ से इस तरह बनाएंगे, धागा अपने तरफ, यहां पर हम दो को एक करेंगे, यहाँ किनारे दो को एक करेंगे। अब फिर देखिए, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए इसको, ये छोड़ के हम दूसरे, ये इसको छोड़ के हम दूसरे में यहां से फंदा को निकालेंगे, एक दो तीन, एक में तीन फंदा निकल गया, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार, सॉरी एक दो तीन, तीन बुनेंगे उल्टा। फिर हम यहाँ पर तीन को एक करेंगे, बीच में तीन को एक करेंगे। फिर देखिए, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इसको छोड़ के हम दूसरे से, दूसरे सिलाई से इसको देखिए निकालेंगे, एक फिर इसमें से निकालेंगे, दो तीन, ये देखिए एक में तीन फंदा निकल गया, धागा अपने तरफ, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा। अब हम दो को एक करेंगे, यहाँ पर दो को एक कर दिए, धागा पीछे, ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से देखिए इसको, धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदा चार, चार फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो
तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन चार, ये चार हो गया, एक दो तीन चार, पांच छः सात, यहाँ पर सात फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से इसको धागा अपने तरफ, अब फिर हम यहाँ पर दो को एक करेंगे और एक दो, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब इस फंदे में देखिए, इसके इसको हम छोड़ के इसके नीचे से फंदा को निकालेंगे और फिर इसमें से निकालेंगे, फिर नीचे वाला फंदा में से निकालेंगे, यहाँ पर एक में तीन फंदा निकल गया, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो, दो फंदा उल्टा। अब यहाँ पर हम तीन को एक करेंगे, ये तीन फंदा को लेकर एक करेंगे और फिर देखिए, एक दो, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब देखिए, इसको छोड़ के हम इसके नीचे से पहले निकालेंगे फंदा को, फिर इसमें से निकालेंगे, फिर इसके नीचे वाला में से निकालेंगे, इस तरह से, फिर देखिए, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो, दो फंदा उल्टा। अब यहाँ पर दो को एक करेंगे, धागा पीछे, ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, सॉरी तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, इसको हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, किनारे का फंदा है। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से धागा अपने तरफ, अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो, दो फंदा सीधा। अब देखिए, इसको फिर हम उसी तरह इसको बना निकालेंगे, नीचे वाला फंदा में से पहले निकालेंगे, फिर इस फंदा में से, फिर हम नीचे वाला फंदा में से निकालेंगे, एक में तीन फंदा निकालना है, फिर देखिए, एक दो, दो फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर हम तीन को एक करेंगे, तीन को लेकर एक कर दिए, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो, दो फंदा सीधा, फिर देखिए, एक में तीन फंदा निकालना है, एक फंदे में तीन फंदा, एक दो, दो फंदा सीधा, एक दो, सॉरी एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर दो को एक करेंगे, धागा पीछे, ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से देखिए, धागा पीछे, एक दो, दो फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात, सात फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात, सात फंदा उल्टा, धागा पीछे,
एक दो, दो फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, ये लास्ट का फंदा है, तो इसको उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब फिर देखिए, एक, अब यहां पर दो को एक करेंगे, ये दो को एक कर दिए, धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब फिर हम उसी तरह इसमें से निकालेंगे, एक दो तीन, एक में तीन फंदा निकल गया, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ। अब हम यहाँ पर तीन को एक करेंगे, ये तीन को एक कर दिए, धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। फिर उसी तरह हम इसमें से निकालेंगे, एक में तीन फंदा, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक, अब यहां पर हम दो को एक करेंगे, ये लास्ट का फंदा है, तो इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे तरफ से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा। अब सीधे की तरफ से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा, ये लास्ट का है, तो इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब उल्टे की तरफ से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ। ये पूरा डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया, ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए, यहाँ से दूसरा डिजाइन हम शुरू करेंगे, दूसरा पैटर्न निकालेंगे इस तरह से। अब इसको हम सीधा बुनेंगे, ये एक फंदा उल्टा है, इसको एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है, तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब फिर इसी तरह हम, जैसे नीचे बताई थी, इसी तरह फिर हम नीचे ऊपर निकालेंगे इस डिजाइन को, जैसे नीचे था उसी तरह सेम ऊपर निकालना है, इसी तरह ये डिजाइन बनेगा। बन के देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइन लग रहा है, ये देखिए। अब इसी तरह फिर हम दोहराएंगे इस डिजाइन को,
अपने आप ये बनते जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सभी के साथ।